बात ये है कि घोषणा में तो ये लग रहा है कि जो घोषणाएं सरकार करती है वो घोषणा ही हैं, उन पर अमल होता ही नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब ये अमल में आ जाएंगी सही तरीके से तभी पता लगेगा, उससे पहले हम क्या बता सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग पर जोर देने की बात, अब नेचुरल फार्मिंग भी के वो जोर तो दे रहे हैं, लेकिन नेचुरल फार्मिंग से इतने बड़े देश की जनसंख्या का कैसे पेट भरेंगे, कैसे पेट भरेंगे? नेचुरल फार्मिंग करते ही सारे एकदम यील्ड कम आएगी, कितना भी जोर लगा ले। और दो नंबर दो जो सबसे ज़रूरी बात है, नेचुरल फार्मिंग में हमारे देसी बीज तो चलते थे, ये जो आजकल के नए हाइब्रिड सीड और दूसरे ये सीड लेके आ रही हैं वो होते ही नहीं। कह रहे हैं 109 वैरायटी नई लेकर आएंगे सर, बिल्कुल अभी तक हम कैसे कहते हैं सपने में दिखा रहे हैं हमें सब कुछ। अब वो तो धरातल पे जब आएंगी तभी तो हम उसके बारे में कुछ बता पाएंगे। अब तक तो यही है कि जितनी भी वैरायटी आई हैं वो हो ही नहीं सक रही। किसान की क्या मांग है? किसान की तो मांग है अगर इस तरह का कुछ लाना है तो पुराने बीज हों जो हो सकते हैं। अब जब एक जितने भी बीज हैं ये एक बार बोने के बाद दोबारा बो नहीं सकते आप, तो कैसे बात बनेगी? फिर जितनी भी ईड़ अगर कम हो जाती है तो फिर कैसे पूरा पाटेंगे, पूड़ का नहीं पटता।